और पटरीपार क्षेत्र के पुरोहित जी की टापरी सोगरिया सहित करीब 30 से भी ज्यादा कॉलोनियों को जोड़ते हुए नगर विकास न्यास की ओर से नालों का निर्माण करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर की आपत्ति दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि नाले का निर्माण घटिया तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर न्यास के इंजीनियर की अनदेखी के चलते संवेदक द्वारा नाले का घटिया निर्माण करवाया जा रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत न्यास के अधिकारियों को भी की है और नगर विकास न्यास के अभियंताओं का कहना है कि करीब 38 करोड़ की लागत से 5 नाले सहित अन्य कार्य इस क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतें मिलने पर पूरी समस्या दूर करवाई जा रही है। अभियंताओं का कहना है कि बारिश के कारण काम बाधित हो गया था और अब नए सिरे से काम को दोबारा से शुरू करवाया गया है। 42 में जो उस टापरी से सोगरिया रोड के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है या नाले का जो UIT से अप्रूव हुआ है, तो ये क्या कि जो नाला बन रहा है ना, इसमें नाले में ना तो कोई अधिकारी ढंग से देख पा रहा है ना कोई कुछ नहीं। आड़ा टेढ़ा जैसे जी में आए वैसे बना रहे हैं, दीवारें डालते हैं, फटाक से गिर जाती हैं, मेटल सही नहीं डल रहा है यहाँ पे, है ना। जहाँ से इन्होंने नाप लिया था वहाँ से ना बना करके उसके आगे से बना रहे हैं, थंबे हट नहीं पा रहे हैं, यानी बिजली विभाग इनका साथ नहीं दे रहा है। जहाँ भी जिधर भी देखते हैं या उधर से ही थंबा आ जाता है तो नाले को घुमा देते हैं। मैं 42 से निवासी हूँ। मेरी दुकान के सामने मार्च में यहाँ पे नाला खोदा गया था जो अभी तक भी निर्माण ग्रस्त है। दो अभी दीवारें मैंने 8 दिन पहले बनाई थी, वो दोनों दीवारें इसके अंदर नीचे गिर गई है और मेरी दुकान 18 तारीख से बंद है और अभी मैंने परसों ही खोली है और इन्होंने कुछ काम नहीं करते, बिल्कुल यहाँ पे खाल छोड़ रखा। अंदर से मेरी दुकान का पूरा डैमेज हुई है अंदर से, उसमें दरार आ चुकी है।